बिहार के महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। स्कॉर्पियो हथियाने के मामले में जदयू नेता कामेश्वर सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिख दिया है। कामेश्वर सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की शिकायत की है और स्कॉर्पियो चुराने का आरोप लगाया है। कामेश्वर सिंह ने ओम बिरला से मांग की है कि सिग्रीवाल को संसद की पेट्रोलियम कमेटी से हटाया जाए। इसके साथ ही जेडीयू नेता ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा है कि उनको जान का डर सता रहा है, भाजपा सांसद के लोगों के द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। जेडीयू राज्य सलाहकार परिषद के सदस्य कामेश्वर सिंह ने भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव के दौरान इलाके में घूमने के लिए भाजपा सांसद को स्कॉर्पियो दी थी, लेकिन चुनाव के बाद जब उन्हें स्कॉर्पियो वापस करने के लिए कहा गया तो भाजपा सांसद ने नहीं लौटाया, जिसके बाद कामेश्वर सिंह के बेटे संजय सिंह ने मसरक थाने में स्कॉर्पियो चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई। रिपोर्ट के मुताबिक छपरा जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बेटे के घर से स्कॉर्पियो बरामद की गई है, जो इस समय मसरक थाने में है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी सांसद का बेटा बेंगलुरु में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहा है। तो जब से यह मामला सामने आया है, बिहार में सियासत तेज हो गई है। जेडीयू नेता का स्कॉर्पियो था और वह बरामद हुआ बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बेटे के घर से, जो कि बेंगलुरु में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में सवाल बार बार उठ रहा है। हालांकि इसको लेकर जेडीयू नेता ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख दिया है और कार्रवाई करने की मांग कर दी है। आपको बता दें कि वाहन चोरी के संबंध में कामेश्वर सिंह के पुत्र संजय सिंह ने छपरा के मसरक थाने में आवेदन दिया था। सारण पुलिस स्कॉर्पियो की खोज में बेंगलुरु पहुंच गए। स्कॉर्पियो सांसद के बेटे के मित्र राज कुंद्रा के पास से बरामद हुई। खबरों के मुताबिक जो बताया जा रहा है, जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के बेटे की चोरी हुई स्कॉर्पियो के मामले में महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपने बेटे के साथ बुरी तरीके से फंस गए हैं। हालांकि सारण पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि यह वाहन सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पुत्र का ही है, जिन्होंने उसे सर्विसिंग करवाने के लिए दी थी। वहीं इस मामले पर कामेश्वर सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखने के साथ एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है। चुनाव बीत जाने के बाद गाड़ी को वापस नहीं करने को लेकर कई बार बात कही गई है, लेकिन सांसद उन्हें देने के बदले समय टालते रहे। कुछ देर बाद सांसद के आवास पर गाड़ी नहीं दिखी तो FIR दर्ज कराई गई। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे गए पत्र के अनुसार सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के पेट्रोल पंप पर भी कई बार जांच कराई है। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पेट्रोलियम समिति में स्थायी सदस्य भी है। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि कामेश्वर सिंह बनियापुर विधानसभा से टिकट चाह रहे थे, टिकट नहीं मिला तो वह मेरे खिलाफ दुष्प्रचार और साजिश कर रहे हैं। कामेश्वर सिंह खुद भी जमीन हथियाने और तरह तरह के गैर कानूनी काम करते हैं। इस मामले में पुलिस की जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जेडीयू वर्सेस बीजेपी नेता के इस मामले को लेकर आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। अब बढ़ रहे हैं NBC 24 के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।